नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। खबर आ रही है बिजनौर के क्षेत्र नजीबाबाद से। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर जहां प्रशासन शासन सतर्क है, बुद्धिजीवी लोग अपने घरों में रहकर ही लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वहीं कुछ लोग बिना जरूरत ही जान जोखिम में डालकर सड़कों पर निकले हुए हैं और साथ में छोटे बच्चों को लेकर भी चल रहे हैं, जिससे बच्चों को भी खतरा बना रहता है। छोटे बच्चों को तो घर पर ही रखा जाए, उन्हें कतई सड़कों पर लेकर ना चलें। वहीं महिलाएं बिना जरूरत, बिना किसी आवश्यक कार्य के घर से ना निकलें, बहुत अधिक जरूरत में ही घर से निकलें। इसी कड़ी में नजीबाबाद सब रजिस्ट्रार प्रीति विक्रम ने कहा, महिलाओं को अपने घर में ही रहना चाहिए, खास तौर से महिलाओं को अपने बच्चों के साथ घर में ही रहना चाहिए। इस समय बिना किसी कार्य के घर से निकलना बिल्कुल उचित नहीं है। घर से निकलने के बाद बच्चों के मुंह पर भी मास्क होने चाहिए। नजीबाबाद सब रजिस्ट्रार प्रीति विक्रम ने विशेष तौर पर महिलाओं से अपील की, महिलाएं अपने बच्चों का विशेष ख्याल रखें। कोरोना काल के समय में महिलाओं की जिम्मेदारी उनके परिवार के प्रति ज्यादा बनती है। बच्चों को साफ सुथरा रखें, बेवजह बच्चों को घर से बाहर न खेलने दें, अनेक बच्चों के साथ बच्चों को ना खेलने दें, घर में रहकर बच्चों की सुरक्षा करें। इस वक्त सुरक्षा की अति आवश्यकता है। मुख्य तौर पर परिवार के छोटे बच्चों की सुरक्षा के साथ साथ अपनी भी सुरक्षा अनिवार्य है। नजीबाबाद से अल्ताफ रजा की रिपोर्ट। चल रहा है, लोग सड़कों पर हैं, खासतौर से महिलाएं आप एक गरिमा वाले पद पर हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही ऐसा समय चल रहा है जिसमें हम सब लोगों के सहयोग से कोई कुछ कर पाएगा। घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। सबसे पहले स्वास्थ्य अगर वो रहेगा तो सब कुछ रहेगा। आपका परिवार, आपके बच्चे सब जुड़े हैं, केवल आपकी बात नहीं, आपके परिवार की बात है। आप अफेक्टेड हो गए, दूसरा अफेक्टेड होगा, फिर तीसरा अफेक्टेड होगा। इससे अच्छा है कि आप घर पे रहें, परिवार के साथ रहें, टाइम स्पेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने भी सुरक्षित रहें, सबको सुरक्षित रखें। तीसरी लहर शुरू हो चुकी है और बच्चों का ज़्यादा इसमें वो है, तो बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बच्चों को बहुत ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए बच्चों का, उन्हें अपने घर में ही बिजी रखिए, बाहर ना जाने पाएँ। घर में ही उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए वो घर का ही खाएं, घर का ही रखें, क्योंकि सभी के लिए बच्चे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे घर में भी मेरी बच्ची है 1.5 साल की, हम लोग खुद ही जो है उसके लिए ज़्यादा केयरफुल हैं कि वो ज़्यादा सुरक्षित रहे, सही रहे। जितने भी प्रिकॉशंस हैं, जो भी हेल्दी फूड है, आपको भी तो घर ही में रहना है, तो उसके साथ ही टाइम स्पेंड करिए। जैसे लोग कह रहे हैं बच्चे बोर हो रहे हैं, तो आप भी बोर हो रहे हो तो दोनों साथ में रह लो, दोनों साथ में टाइम स्पेंड करो, दोनों ही सुरक्षित रखो, हो रहा हो गया। मैम, आप सम्मानित गरिमा वाले पद पर हैं, छात्राएं भी बहुत जो आजकल कोई इंटर कर रही हैं, कोई बीए कर रही है, कोई बीएससी कर रही हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती हैं? भविष्य में कैसे आपकी तरह बने? पढ़ाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, फोकस्ड रहें। रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंटिन्यूटी। भले ही पर डे 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, बट कंटिन्यूसली पढ़ें। ये नहीं कि एक दिन 6 घंटे पढ़ लिया, एक दिन बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये स्थिति ना हो। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।